देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आपको दिखाने जा रहा हूं लखीसराय की वो खबर जिसे देखकर आपके मानसिक पटल पर जरूर एक बार कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि अगर मन में जज्बा हो तो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का रिजल्ट पाना आसान हो जाता। आज हम बात करेंगे उस लड़के की जिसकी सर्जरी 4 से 5 बार होने के बाद भी उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया और रिजल्ट दिखाने के बाद आज अपने माँ बाप का सहारा बना। तो आइए हम बात करेंगे उनसे, उनका नाम, उनका पूरा जीवन और किस तरीके से उन्होंने इस परिश्रम के लायक खुद को बनाया। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री योगेंद्र मंडल हुआ। मैं मरनपुर बस्ती का निवासी हूँ जो कि लखीसराय जिला में पड़ता है, चानन प्रखंड। एक बात बताएंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम पोस्ट ग्रेजुएट 2018 में किए हैं। एक बात बताएंगे, आपका जो ये आज स्थिति है जी, ये कब से शुरू हुआ और इस दरमियान आपने क्या क्या समस्याएं झेली है? ये स्थिति देखिए, 2011 से ही सर दर्द करता था, लेकिन योगा के माध्यम से हम इसको दबा के रखे थे। उस समय हमको पता नहीं था कि मेरे साथ भविष्य में ये सब होगा। तो 2019 में अचानक सरदर्द और वोमिटिंग तेज, सरदर्द तेज हो गया था और वोमिटिंग कंटिन्यू होता था। तो उस समय भी पता नहीं चल पाया कि हमको मतलब ब्रेन में ट्यूमर है। तो अपने दोस्त, उस समय पटना में थे हम, तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती दोस्त सब किया, तो इंडोस्कोपी वगैरह हुआ, चूँकि वोमिटिंग होता था। तो वो तो इंडोस्कोपी पेट के बारे में मतलब बताएगा कि ये सब क्या है नया। तो एक उसी समय लेफ्ट आई का जो है आंखों की रोशनी लगभग 80% खत्म हो गया था। तो वही आंख दिखाने के लिए जब हम पटना एम्स गए, तो वही आंख वाले डॉक्टर MRI लिखे। MRI में MRI कराने के बाद पता चला कि मेरे को ट्यूमर है। तो प्रथम 2 सर्जरी पटना एम्स में ही हुई, लेकिन वो पटना एम्स में जो सर्जरी हुई वो सफल ही रहे। तो फिर तीसरा सर्जरी कोरोना काल में 2020 में फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ, जहां वहां पर भी वो सफल रहे। और वो सफल के साथ साथ वहां पर एक समस्या मेरे साथ और आ गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए उनका डॉक्टर एक मेरा ये जो क्रेनियन है, ये क्रेनियन काट दिए थे। तो काट देने के बाद वो इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण एक सर्जरी और भी बढ़ गया। तो चौथी सर्जरी दिल्ली एम्स में हुई। दिल्ली एम्स में होने के बाद दिल्ली एम्स में चौथी सर्जरी हुई। चौथी सर्जरी के दौरान ही 100% हम जो है ब्लाइंड हो गए, विजन जीरो हो गया, और ये जो मेरा लेफ्ट आई का ये जो ये पल्ला है ये नीचे गिर गया। तो फिर वहां से उस, लेकिन आंख जाने के बाद सफल भी दिल्ली एम्स में ही हुआ। हालांकि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज सफल हुए, तो उनके मेहनत से उनको भी मैं प्रणाम कर, यदि देखेंगे तो उनको भी मैं वंदन करता हूँ, कोटि करता हूँ, चंदन करता हूँ। सफल वही से हुए, लेकिन 100% ब्लाइंड भी वही सर्जरी हुए। तो पांचवा सर्जरी मेरा ये जो क्रेनियन देख रहे हैं आप, ये इन्फेक्शन कर गया था, जिसके कारण ये दिल्ली एम्स में डॉक्टर हितेश गुज्जर के द्वारा ये क्रेनियन काट करके हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल बोन लगेगा, लेकिन उसके लिए मतलब 5 बार सर्जरी हो गई थी, तो इसीलिए डॉक्टर साहब बोले कि कुछ दिन बाद लगेगा। तो 100% ब्लाइंड हो गए। तो मेरा दौर वो था कि दर्दने की ठोकर खाते थे, जैसे कि चलना कुछ भी अनुभव नहीं था कि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, मतलब क्या कहें, मैं शब्दहीन हूँ। बहुत रोता था कि मुझे ऐसा भी लगता था कभी कभी कि भगवान जी मुझे क्यों बचाएं ये दर्दने की ठोकरे खाने के लिए। तो फिर आंख वाले डॉक्टर के पास गए, तो आंख वाले डॉक्टर बोल दिए कि ये आंख नहीं तो ठीक हो सकेगा और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा। हालांकि मेरी माँ एक आंख डॉक्टर साहब को मेरी माँ बोली कि मेरे बच्चे को लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये आपका आंख नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो बहन है वो सब मतलब अब इस जन्म में ये नहीं देख पाएगा। तो वहीं से सर्टिफिकेट बना दिया गया कि बाबू पहले पूछे कि कहाँ तक पढ़े हो, तो हमने कहा कि मैं तो सर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो बताएं कि बाबू कमीशन का तैयारी कभी की हो, तो हमने कहा कि तैयारी ही नहीं बल्कि रिजल्ट भी दे चुका हूँ बहुत सारा। तो उन्होंने कहा कि बाबू VS सर्टिफिकेट बना लो और फिर से लग जाओ बाबू, जुनून और जज्बे के साथ लगो, एक दिन तुम सफल हो जाओगे।
तो सब कुछ दिया, आधार कार्ड दिए, फोटो दिए, क्वालिफिकेशन भी बताएं, तो 1.5 महीने में मिला। फिर घर आए, तैयारी करने लगे, SSC CGL 2021 PT दिए, PT पास हुए, मेंस भी दिए, लेकिन किसी कारण से वो 2021 का CGL नहीं हो पाया। और फिर 22 दिए, PT पास किए, मेंस दिए, और 13 मई को रिजल्ट जब रात में 11 बजे आया, तो उस समय लगा कि अब कम से कम मैं ही तो ब्लाइंड हूँ, अब मेरी माँ और मेरे अपने पिताजी को तो अब इतना से सेवा कर सकता हूँ, और मेरा एक छोटा भाई है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, और यहीं नहीं रुकने वाला हूँ, अभी भी मैं प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटा प्रत्येक दिन में पढ़ाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अगला जो टारगेट है बिहार PCS है। आप पढ़ाई किस तरीके से करते हैं? मैं पहले बता देता हूँ कि मैं ऑफलाइन पटना के जो टीचर थे उनसे मैं ऑफलाइन पढ़ चुका था, उसमें तो दोनों आँख ठीक था, और अब मैं जैसे कि कंफ्यूजन होता है, जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं कि सेरिबेलम का क्या काम है, सेरेब्रम का क्या काम है। ये तो, CGL में आपको फिर नौकरी कैसे हुई? CGL में देखिए, जो 100% ब्लाइंड होता है ना, तो उसके लिए एक स्क्राइब आता है, फॉर्म भरते समय में स्क्राइब में यस कीजिएगा, तो उसमें फिर पूछेगा कि स्क्राइब अपना ले करके जाओगे कि कमीशन देगा। तो स्क्राइब का बस कुछ उसमें नियम है कि जैसे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो तो उसमें आपका स्क्राइब ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, तो इंटर उसका क्वालिफिकेशन मैक्सिमम। क्या उस एग्जाम में आपको कोई दिक्कतें होती? नहीं, उस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती, चूंकि बिल्कुल ऑफलाइन तो शुरू में पढ़े ही थे, और अब ऑनलाइन मतलब मेरी माँ वॉइस सर्च करके देती है, और जो भी पढ़ना होता है वो मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होता है, तो यदि अनुसूची पढ़ना होता है, 8वीं अनुसूची। अच्छा, पहले CGL में और दूसरे CGL के एग्जाम में कुछ अंतर भी आया था क्या? हाँ, अंतर आया था। पहले CGL में मेंस में था मतलब 200 नंबर का मैथ था, 200 नंबर का इंग्लिश था, लेकिन 2022 वाले CGL में वो सिलेबस सब कुछ चेंज कर दिया गया था, और PT 2022 में क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया था, और 2022 के CGL में डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का रहता था, लेकिन वो सब हटा दिया गया था, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो सभी पोस्ट के लिए पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। यदि आप टाइपिंग टेस्ट में फेल कर जाएंगे तो फिर आपका मेंस का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो फिर आप उसको कैसे मेंटेन किए? उसको हम देखिए, एक बात हम कह देना चाहते हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट यदि उसके पास जुनून है तो कुछ भी कर सकता है। अभी आपका जॉब कहाँ पर लगा? अभी देखिए, थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस में हमने जो पोस्ट कोड होता है वो थोड़ा सा ऊपर मतलब गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया, जैसे कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन पासपोर्ट ऑफिस का ये सब जो हमको मिला पोस्टल असिस्टेंट, ये सब गलती से नीचे डला गया, जिसके कारण मेरा रिजल्ट UR से हुआ, अनरक्षित वर्ग से हुआ, जिसके कारण हमको बिहार ना मिल करके नॉर्थ ईस्ट सर्कल ऑफिस मिला। आपने ज्वाइन कर लिया? अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अच्छा, एक बात बताएंगे, जब से मतलब कि आपकी आंखों की समस्या हुई जी, तब से लेकर के अब तक में हाँ, आपके पिताजी क्या कर रहे थे? क्या कहें, मेरे पिताजी फरीदाबाद के, हरियाणा के फरीदाबाद में एक मजदूर हैं, जो कि मतलब राजमिस्त्री होता है ना, उनका राजमिस्त्री का सहायक मतलब हेल्पर है, और वही करके हमको पटना में भी पढ़ाएं, और वही करके अभी भी जो यहाँ तक कि खाना भी मेरे पिताजी जो फरीदाबाद में कमाते। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं, मैं बीच वाला हूँ, हमसे एक बड़ा है और एक छोटा भी है, तो बड़े वाले तो जॉब करते हैं CRPF में। तो उनसे आपको कोई आर्थिक मदद? नहीं, उनसे तो कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, और आर्थिक मदद तो छोड़ दीजिए, कम से कम भैया अभी भी मैं उनको श्री राम मानता हूँ, और कम से कम देखने आते मैं प्यार का भूखा हूँ, और हेल्प तो हमको गांव वाले किए, जैसे कि सुनील कुमार यादव हो गए, राम भरोस यादव हो गए, श्रवण कुमार शाह हो गए, और मनोज यादव हो गए, और एक मेरा एक दोस्त है जलप्पा स्थान जो जाती है मानपुर गांव, और संजीत कुमार, उन्होंने हमको आर्थिक मदद भी किया, और एक यूनिट हमको ब्लड भी दिया। आने वाले समय में
क्या किसी और रिजल्ट को आप देने जा रहे हैं? आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में अभी जिस मैं जिस जैसे कि बिहार पीसीएस का जो तैयारी में लगा हूँ, अब मेरा टारगेट है कि कम से कम हमको देख करके, जैसे कि 100% मैं तो 100% ब्लाइंड हूँ, इस ब्लाइंड को देख करके स्टूडेंट को लगे कि जब एक ब्लाइंड ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बस वही करने के लिए और मैं अपना देश सेवा करने के लिए वो अगला टारगेट जो मेरा है बिहार पीसीएस है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। नमस्कार जी सर, मेरा नाम योगेंद्र मंडल है। एक बात बताएंगे, जब आज आपका लड़का काफी परिश्रम करने के बाद इस मुकाम तक पहुंच गया तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। मेरा लड़का मुकाम पर पहुंच गया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बहुत खुशी। समाज कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलते भी होंगे। नहीं, अभी तो हमको जितना गांव समाज परिवार जितना है ना, सभी लोग हेल्प किए हैं, इसमें कोई जलने की कोई भावना नहीं। अभी आपने इनकी कहानी सुनी, इन्होंने बताया कि अगर एक ब्लाइंड व्यक्ति इतना कर सकता है तो फिर एक जो पूरे शरीर से मतलब कि चुस्त दुरुस्त हो वो क्यों नहीं किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। मैं अपने दर्शकों से ये अपील जरूर करूंगा कि आने वाले समय में इन लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं आगे की दिशा में पहुंचाने का काम करें, जिससे लोगों को एक नया संदेश जाए। और संदेश जाने के बाद ये तो कम से कम जरूर नहीं मिले कि भाई वह व्यक्ति जिनका 5 बार सर्जरी हो चुका है उन्होंने अब तक दम नहीं छोड़ा, और दम इस कदर नहीं छोड़ा कि आने वाले समय में जो रिजल्ट उन्हें करना था उन्होंने उस रिजल्ट को पाया, और आगे आने वाले समय में भी किसी दूसरे रिजल्ट को देने की लालसा रख रहे हैं। तो वे कहीं ना कहीं उन जवानों को, उन लड़के को, उन सफलतम उम्मीदवारों को आगे की ओर अग्रसर करने का काम करें। मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी श्रवण कुमार के साथ लखीसराय से।